चैप्टर सोल्डरिंग आयरन चैप्टर है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से देख ले, समझ ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जो कि वीडियो मेरा आप तक पहुंच। सोल्डरिंग किसे कहते हैं? दो समान धातु के तारों या टुकड़े आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा यानी कि तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग करते हैं। और सोल्डर किसको कहते हैं? यह मिश्र धातु का होता है और इसका गलनांक अन्य धातु से अलग होता है, जिन्हें सोल्डर हम लोग कहते हैं, जिससे कि हम लोग जोड़ते हैं कोई चीज़ को। अब ये सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? उसमें एक है कठोर सोल्डर। इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर की अपेक्षा अधिक होता है और इसका उपयोग तांबा लोहा आदि के बड़ा टुकड़ा को जोड़ने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब नरम सोल्डर आ जाइए। नरम सोल्डर वो है जिसमें गलनांक पॉइंट कठोर सोल्डर की तुलना में बहुत कम होता है और ज़्यादातर नरम सोल्डर टिन और शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल तांबा, एल्युमिनियम तार और केबल आर को छोटे सभी में प्रयोग किया जाता है। और आप फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आप लोग जानते होंगे, जो कि एक अथी में कोई भी वायर जोड़ने से पहले एक लिक्विड टाइप से रहता है, जिसको लगा के तार में वहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। और उसको चारों ओर फैल जाता है, जिससे कि वहाँ ज्वाइंट अच्छी तरह से मजबूत से जुड़ जाए। और सोल्डरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आज हम फिर बता रहे हैं आप लोगों को, समझ लीजिए अच्छी तरह से। सोल्डरिंग दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार सोल्डरिंग जो हमें बिजली से करती है, दूसरा हम आग से करते हैं, जिसे ब्लो लंप से करते हैं। उसके बारे में भी हम बताएं, जिसको आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ जाइएगा। सोल्डरिंग आयरन क्या? ये आयरन एक बिजली से चलने वाला यंत्र है और हीटिंग एलिमेंट के द्वारा गर्म होता है और इसमें 125 वोल्ट तक और उससे भी ज़्यादा वोल्ट का भी आता है, एक सौ निम्न में 125 वोल्ट का सोल्डरिंग आयरन आता है, वाट का, ठीक है। ये आयरन आवश्यकता होता है जिसे हम बड़ी आसानी से किसी भी तार को सर्किट या बोर्ड में जोड़ सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, इसे सोल्डरिंग आयरन अच्छी तरह से नहीं की जा सकती, यानी सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद चाहे कहीं भी सोल्डर करेंगे तो वहाँ हम लगाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं पकड़ेगा, पिघल जाता है ज़्यादा गर्म होने के कारण, जिससे कि वहाँ ज्वाइंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता और हम जोड़ने में परेशानी हमें आती है। और आप जानते हैं ब्लो लैम्प, ब्लो लैंप के द्वारा बड़ा बड़ा सोल्डरिंग यानी बहुत बड़ा बड़ा जो कि लोहा जहाँ भी हो कोई मोटा मोटा तार के बाद हथियार पे सोल्डरिंग किया जाता है। पहले तार को गर्म किया जाता है, तार गर्म होने जाने के बाद उसके बाद उस पर प्लक्स लगाता है, उसके बाद उस पर केबल अथी जो रहता है सोल्डरिंग वायर उसको दे के उस पर पिघला के उस ज्वाइंट को किया जाता है। और ब्लो लैंप को कैसे किया जाता है? ब्लो लैंप को सबसे पहले जलाया जाता है, उसके बाद उस तार पे प्रेस मार के जो कि आपको इमेज आए इसमें उसको देख लीजिए, उस तरह से उसको हीट किया जाता है। जब वायर के तार गर्म हो जाने के बाद उस पर प्लग्स लगा के सोल्डरिंग वायर को उस पर दे के पिघला के उस जोड़ को मजबूत किया जाता है।